बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-अमान में खैर वाफ़ियत, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ रखे और अपनी रहमतों से खूब खूब नवाजे। आमीन सुम्मा आमीन। व्यूअर्स, आज हम आलू से मज़ेदार से सीख कबाब बना रहे हैं, तो उसके लिए बस मैंने हाफ के जी आलू बॉयल करके ठंडे करके और फिर मैंने कद्दूकश कर लिया है। बस इसके अलावा हमारे पास एक खाने का चम्मच ऑयल है, दो खाने का चम्मच भी बस हमारे पास चावलों का आटा है, दो खाने के चम्मच ब्रेड क्रम्स हैं, और मसाले में भी बस हमारे पास नमक 1 टीस्पून है, 1 टीस्पून मोटा कुटा हुआ ज़ीरा है, 1 टीस्पून ही चाट मसाला है, 1/2 टीस्पून भी बस लाल मिर्च का पाउडर है, 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स है और 1/2 टीस्पून ही भी बस हमारे पास आमचूर पाउडर है। इसके अलावा भी बस 3 अदद ग्रीन चिली हैं जिन्हें इसने बारीक काट लिया है, और एक छोटा प्याज भी बस मैंने कद्दूकश करके इसका पानी अच्छे से निचोड़ लिया है, हरा धनिया है हसब ज़रूरत हसब टेस्ट, और भी बस एक खाने का बड़ा चम्मच जो है वो लहसुन अदरक का पेस्ट है, और भी बस दो खाने के चम्मच जो हैं वो तली हुई प्याज है। तो आइए व्यूअर्स स्टार्ट करते हैं आज की। सबसे पहले व्यूअर्स, ये जो हमारे मसाले हैं हम आलूओं में डाल लेते हैं, और तमाम मसालों को व्यूअर्स आलू में डाल के जो है हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। व्यूअर्स, ये तली हुई प्याज है ये भी डाल लेते हैं, और लहसुन अदरक का पेस्ट, हरा धनिया, सारे मसाले डाल के भी बस अच्छे से हम इन्हें हाथ की मदद से भी बस मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए व्यूअर्स, तमाम मसालों को आलू में डाल के मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अभी बस हमारे पास ये जो ब्रेड क्रम है हम ये इसमें डाल देते हैं, और ये चावलों का आटा उसको भी डाल के व्यूअर्स अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, चावलों का आटा और ब्रेड क्रम भी मैंने डाल के अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। व्यूअर्स, जब आलू से आप सीख कबाब बनाएं तो आलू को हमेशा आप कद्दूकश करके ही इस्तेमाल करें। और अभी भाई ये जो हमारे पास ऑयल है ये डाल लेते हैं, और ये डाल के इसको भी मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखें व्यूअर्स, मैंने तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। आप देख सकते हैं ना, तो ये ज़्यादा हार्ड है और ना ज़्यादा नरम है। तो जब भी व्यूअर्स आप सीख कबाब के लिए तमाम चीज़ों को मिक्स करें, आप देखें कि आपके आलू नरम हैं, तो व्यूअर्स आप उसमें ब्रेड क्रम्स या चावल का आटा मज़ीद एक एक चम्मच और शामिल कर सकते हैं। तो चलिए व्यूअर्स, आप स्टार्ट करते हैं अब सीख कबाब बनाना। तो ये देखें व्यूअर्स, एक कबाब मैंने बना के रखा है और मैं एक आपके सामने बनाती हूँ। ये अपने हिसाब से जितना आपने बड़ा कबाब बनाना है उतना आप आलू का मिक्सचर ले लें और इसको इस तरह से शेप दे लें। और भी बस कोई भी पेंसिल हो या भी बस कोई भी सीख हो या स्ट्रॉ हो या कोई पतला सा पाइप हो, उसको लेके इस तरह से आप मसाले को इसके ऊपर रखें, उसको कबाब की शेप दे लें। और आपने कितना बड़ा कबाब बनाना है या छोटा वो आप पे डिपेंड करता है। इस तरह शेप दे के हम इसको आराम से पेंसिल को हम निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरह करके भी बस तमाम जो कबाब है वो हम तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए भी बस हमने तमाम सीख कबाब जो है तैयार कर लिए हैं। अब इन कबाबों को भी बस हम फ्राई कर लेंगे। व्यूअर्स, पैन को मैंने चूल्हे पर चढ़ा के उसमें ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया था। अब व्यूअर्स एक एक करके जो कबाब है हम ऑयल में डाल देते हैं। और व्यूअर्स इसको कम से कम 1 मिनट के लिए हम बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे। जैसे ही 1 मिनट हो जाएगा तो फिर हम इसकी साइड चेंज करेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, 1 मिनट हो चुका है, तो मैंने जो है अब इनकी जो है साइड चेंज कर दी है। अब 1 मिनट व्यूअर्स हम दूसरी साइड से इसको पकाएंगे इनको। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने कबाबों की दूसरी साइड भी चेंज कर दी है। अब जैसे ही व्यूअर्स दूसरी साइड से भी अच्छा सा कलर आ जाता है तो मैं इन कबाबों को निकाल लेती हूँ
और बाकी के जो कबाब है वो भी इसी तरह से फ्राई कर लेते हैं। तो ये देखिए जी बस हमारे बाकी के जो सीख कबाब हैं वो भी रेडी हो चुके हैं। तो इन सबको व्यूअर्स मैं आपको फाइनल लुक के साथ दिखाती हूँ। तो ये थी व्यूअर्स हमारी आज की रेसिपी आलू के सीख कबाब। उम्मीद करती हूँ व्यूअर्स आपको हमारी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई है तो व्यूअर्स हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने अहबाब दोस्त साथियों के साथ और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।